गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज शशन लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इज लाइकली टू ब्रिंग डैमेज रिकवरी बिल ऑन द लाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश राइट डैमेज रिकवरी बिल लाना है ऑन द लाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश का मतलब है कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इस बिल को ला चुका है तो उत्तर प्रदेश के बाद विच इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेट गोवा उत्तराखंड मध्य प्रदेश और तेलंगाना दिस इज़ उत्तराखंड कंटेक्सट में बताता हूँ आपको ये ना जब भी अपने यहाँ क्या होता है कोई प्रोटेस्ट होती है ना तो उसमें प्रोटेस्ट में क्या करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं प्रोटेस्टर्स और आप मान के चलो कि जब भी आप न्यूज़ अगर ध्यान से देखोगे कि करीब 200 करोड़ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है ये आप देख रहे हो ये इस का क्या हल किया इन लोगों ने So, इसीलिए डैमेज रिकवरी बिल उत्तराखंड ला रहा है कि भैया अगर आप कुछ डैमेज करोगे हम आपसे वसूली करेंगे एज सिंपल एज दैट एंड ये लाना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये ला चुका है तो जो प्रोटेस्ट हो रही थी शाहीन बाग के समय कुछ प्रोटेस्ट लखनऊ में भी हुई थी अपना वो जो बिल था रिगार्डिंग नागरिकता जो थी हमारी पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री थी बाकी मुस्लिम्स को नहीं थी यूपी में भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे और वहाँ पे फिर इसकी ज़रूरत समझी गई तो सबसे पहले यूपी लेकर आया था चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बटन दबा दो यार सब्सक्राइब का अच्छा लग रहा हो तो नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यू जरूर देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटीज़ अ फ्लोटिंग सी ब्रिज वॉज इनागरेटेड फ्लोटिंग सी ब्रिज वॉज इनगरेटेड कहाँ पर बेंगलोर में पुणे में विशाखापट्टनम में या चेन्नई में करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में एक फ्लोटिंग ब्रिज इनागरेट किया गया था ठीक है इसके यूज केसेस क्या होंगे सोचो यूज केसेस कहाँ पे आएंगे कैसे यूज कर सकते हैं मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे ये तैराते हुए लेके चले जाएंगे आराम से वहाँ पे गए हमने बनाया तैरा दिया हमारे कभी कुछ चाइना के साथ बॉर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है राइट देखो तो इंडिया की बहुत करीब साढ़े सात हज़ार किलोमीटर की कोस्ट लाइन है राइट वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहते हैं फ्लड आता है साइक्लोन आते हैं तो उस केसेस में हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच कंट्री इज सेट टू बिकम द थर्टी सेकेंड में रेटिफिकेशन ऑफ द बिल बाई हंगरी पार्लियामेंट हंगरी की पार्लियामेंट ने अभी रेटिफाई कर दिया है बत्तीसवा मेंबर नाटो का कौन होगा इंडिया इंडिया नाटो का मेंबर क्यों ही बनेगा ना इंडिया नहीं बने इंडिया इज रॉन्ग आंसर टर्की टर्की तो ऑलरेडी मेंबर है टर्की इज रॉन्ग आंसर फिनलैंड फिनलैंड हमको पता था कि थर्टी फर्स्ट मेंबर ऑलरेडी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन नाटो आपको पता है इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नाटो के बारे में एक चीज़ है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस का मतलब यह है कि भैया एक के ऊपर कुछ आएगा तो हम फिर सब मारेंगे मिलकर जैसे हम लोग छोटे पे हमारे ग्रुप होते थे ना स्कूल में हमारे किसी दोस्त को किसी ने मारा तो हम उसको सब मिलके मारेंगे सेम चीज़ इज़ नाटो ठीक है अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल इन द मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रस्ट मी सो डोंट जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर बेट चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिसेंटली इंडिया हैज बिन कंडक्टिंग द धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इन राजस्थान तो पहले तो क्वेश्चन बनता है धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज ये ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इंडिया कर रहा है दिन आप बोलोगे कि राजस्थान में कर रहा है बट अभी पूछ रहे हैं किस देश के साथ कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ नेपाल के साथ यू के साथ या जापान के साथ इसका करेक्ट आंसर है जापान के साथ बांग्लादेश के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं एक तो करते हैं बोंगो सागर नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज का नाम बताओ नेपाल के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण मित्र शक्ति यूएसए के साथ हम क्या करते हैं एक्सरसाइज बताओ कमेंट सेक्शन में देखें कितना याद है आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन फर्स्ट एआई मॉडल टू फाइंड द जेस्टेशनल एज ऑफ गर्ल्स है इसका जस्टेशनल एज क्या होती है जैसे भ्रूण की एज जो होती है कि बेबी फोर वीक वन वीक का है अब बेबी जो है वो टू वीक का हो गया या नाइन मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे ना उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं वो अभी वेस्टर्न मॉडल इंडिया यूज कर रहा था ठीक है वेस्टर्न मॉडल्स जो होते हैं क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअल एक्यूरेटली फिट नहीं होती इंडियन उसमें कंटेक्स्ट में तो अभी इंडिया में एक स्पेसिफिक मॉडल गर्भिणी करके बनाया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिशन उत्कर्ष इज एम्ड एट करबिंग बॉट डिजीज इन अडोलशेंट गर्ल्स एन विमेन मिशन उत्कर्ष एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो so बेसिकली ये कैलकुलेट करता है एनीमिया को एनीमिया को दूर करने के लिए मिशन उत्कर्ष शुरू किया गया है प्रोग्राम ये है कि करीब फाइव डिस्ट्रिक्स के दस हज़ार आंगनबाड़ी सेंटर में ये मिशन शुरू किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जियाओ कांग हाल ही में समाचारों में देखा गया है क्या है क्या एक वाला जियाओ कांग बहुत ऐसा ऐसा करके आ जाता है इट इस डिफ़िकल्ट ओके सो बेसिकली क्या है चाइना जो है अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो हमारी एल जो है वो पाकिस्तान के साथ है हमारी एल जो है वो चाइना के साथ है चाइना कर क्या रहा है एल के आसपास ना बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर के साथ विलेजेस बना रहे कुछ स्पेशल विलेजेस बना रहा है वो विजेस जो हैं सिविलियन परपज़ के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और वो विलेज जो हैं वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं तो वो टू इन वन फैसिलिटी के साथ बनाए जा रहे हैं यही जियो के क्या हैं बॉर्डर डिफेंस विलेजेस हैं तो इनको देखना बिल्कुल मत भूलिए इस क्वेश्चन को याद करना बिल्कुल मत भूलिए ठीक है थीके? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बुजी बीच विच वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड वॉज बिल्ड बाई इंडिया इन विच कंट्री मेडाकास्कर मोजाम्बिक नामीबिया या अफगानिस्तान तो भूजी बीच हमने बनाया है मोजाम्बिक में मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है सारे कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी आपको याद होनी चाहिए स्टेट पी में एस वगैरह में पूछ लेते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पी एम श्री योजना इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड ये मैं तीन बार करवा चुका हूँ आज तीसरी बार इसको करवा रहे हैं पी एम श्री योजना शुरू कहाँ से करी गई छत्तीसगढ़ से शुरू करी गई इसके अंदर चौदह हज़ार पाँच सौ क्या खोलने थे स्कूल खोलने थे स्कूल कैसे होने चाहिए डिजिटल होने चाहिए स्मार्ट होने चाहिए राइट right? तो ये किस इसका आंसर क्या है इसका आंसर है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द स्टैंड इंडिया स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर इसका करेक्ट आंसर है 2025। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू कब हुई थी स्टार्ट कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके okay, सो so सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ओके okay? कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे साढ़े सात आठ के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगा सो so आप फिर से आकर देखिएगा आपको अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक को मुझे कवर करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे बाय बाय